अंतरिक्ष विज्ञान एक बहुत ही आकर्षक विषय है। यह जितना सुंदर है उतना ही रहस्यमयी और पेचीदा है। कितना अच्छा होता अगर हम ब्रह्मांड के छोर तक जा पाते। तो आइए चलते हैं एक ऐसे सफर पे जहां हम हमारे दृश्य ब्रह्मांड के छोर तक जाएंगे और अपने सारे सवालों के जवाब को खोजेंगे कि आखिर ब्रह्मांड के बाहर क्या है। ब्रह्मांड की शुरुआत एक बहुत बड़े विस्फोट से हुआ था, द बिग बैंग। और शुरुआत के समय कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड का रंग ऑरेंज था, यानी कि ब्रह्मांड के शुरुआत के समय ये अरबों सालों तक ऑरेंज कलर का था। ब्रह्मांड का आकार बहुत ही विशाल है, इतना जितना कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। कई बार ये भी कहा जाता है कि ब्रह्मांड अनंत है। केवल हमारा दृश्य ब्रह्मांड ही 460 करोड़ प्रकाश वर्ष के रेडियस में फैला है, यानी कि हमारा दृश्य ब्रह्मांड 920 करोड़ प्रकाश वर्ष की दूरी तक फैला है। हम इसे कहते हैं दृश्य ब्रह्मांड, क्योंकि इससे आगे मौजूद ब्रह्मांड की रोशनी हमारे पास अभी तक नहीं पहुंच पाई है। ब्रह्मांड में दूरी को मापने के लिए हम एक मेथड का यूज करते हैं, जिसे कहते हैं द कॉस्मोलॉजिकल रेड शिफ्टिंग। ये एक प्रकार का छाप है जो ब्रह्मांड का फैलाव प्रकाश के किरणों पर छोड़ती है। इसे आसानी से समझने के लिए, प्रकाश की वेवलेंथ जितनी बड़ी होगी वह उतनी ही रेड शिफ्टेड होती जाएगी, और छोटी वेवलेंथ नीले रंग की होती है। तो अगर ब्रह्मांड नहीं फैल रहा होता तो दूर मौजूद गैलेक्सी से आने वाली प्रकाश उसी रंग के होते जैसा उस गैलेक्सी का रंग था। पर हम जानते हैं कि ब्रह्मांड फैल रहा है। तो आखिर वह क्या है जहां तक हम देख सकते हैं? पार्टिकल होराइजन, जो हमारे दृश्य ब्रह्मांड का सबसे अंतिम छोर है। यह वर्तमान में ब्रह्मांड के सबसे दूरस्थ भाग का हिस्सा है। दूसरे शब्दों में, ये वो सबसे दूरस्थ भाग है जो कि संभवतः लगभग हमारे संपर्क में है। और हर वो चीज जो कि इस पार्टिकल होराइजन के अंदर है उसे हम कहते हैं द ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। आपका यह जानना जरूरी है कि ये दूरस्थ भाग ही वह दूरी है जिसे हमें अपने सफर में तय करना होगा अगर ब्रह्मांड का विस्तार थम जाए तो। इसका मतलब है कि अगर हम एक स्टैटिक यूनिवर्स में ट्रेवल कर रहे होते तो ये ही हमारे नोन यूनिवर्स का एंड होता, यानी हमारी मंजिल। हमारे सफर को शुरू करने से पहले आपका यह समझना जरूरी है कि पार्टिकल होराइजन और कॉस्मिक इवेंट होराइजन दोनों का मतलब अलग अलग होता है। और चौंकाने वाली बात यह है कि कॉस्मिक इवेंट होराइजन पार्टिकल होराइजन की तुलना में हमसे ज़्यादा नज़दीक है। ऐसा अनुमान है कि कॉस्मिक इवेंट होराइजन हमसे करीब 160 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर है। पर इन सब का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि उन जगहों पर गैलेक्सीज मौजूद है जिसे आज हम देख सकते हैं, पर वहाँ हम कभी पहुँच नहीं सकते। यहाँ एक प्रॉब्लम है। जैसा कि आप सब जानते हो कि लाइट की स्पीड हमारे यूनिवर्स की सबसे फास्टेस्ट स्पीड है, और यूनिवर्स इतना बड़ा है कि लाइट को भी इसमें ट्रैवल करने में समय लगता है। अगर आप ये नहीं जानते थे तो जान लीजिए कि सूरज की रोशनी को भी हम तक पहुंचने में 8 मिनट्स और 20 सेकंड का समय लगता है। तो हमें अपने सफर में इस बड़े दिक्कत यानी समय अंतराल का सामना करना होगा, खासकर उस वक्त जब ब्रह्मांड फैल रहा होगा। इसका मतलब जब हम हमारे नॉन यूनिवर्स के लास्ट एंड यानी पार्टिकल होराइजन तक के सफर को तय करेंगे, तब उस समय अंतराल के बाद जब हम उस ज्ञात ब्रह्मांड के ज्ञात छोर तक पहुंचेंगे, तो ब्रह्मांड के एक्सपेंशन के कारण ये छोर भी अपने ज्ञात स्थान से काफी दूर जा चुकी होगी। तो आखिर हमें कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी? वेल, हमें अनंत दूरी को तय करना पड़ेगा। इवन हमारे पास एक ऐसी स्पेसक्राफ्ट क्यों ना हो जो कि लाइट की स्पीड से ट्रैवल करती हो। आइए पहले जान लेते हैं स्पेस ट्रैवल को अच्छी तरह से। जैसा कि हम जानते हैं कि ब्लैक होल्स के पास अपना एक इवेंट होराइजन होता है। ये हमारे ब्रह्मांड और ब्लैक होल के बीच का आखिरी छोर होता है, और इसे क्रॉस करने के बाद हम किसी भी इंफॉर्मेशन को दोबारा नहीं देख पाएंगे, क्योंकि यहाँ पहुँचने के बाद प्रकाश भी रेड शिफ्टेड होते हुए अदृश्य हो जाती है। हमारा ब्रह्मांड भी कुछ ऐसे ही नियमों पर चलता है। ब्रह्मांड की भी एक बाउंड्री यानी छोर है जिसके बाद मौजूद गैलेक्सीज की लाइट हम तक कभी पहुँच ही नहीं सकती, क्योंकि उसे हमारे पास पहुँचने के लिए ऐसे ब्रह्मांड के बीच से गुजरना होगा जो निरंतर फैल रहा है, और जिस ऑब्जेक्ट से वो प्रकाश हमारे पास आ रही है वो ऑब्जेक्ट भी प्रकाश की गति से भी ज़्यादा तेजी से हमसे दूर जा रही होगी, यानी वो उसके विपरीत जा रही है। ठीक ऐसा ही हमारे साथ भी होगा। हम कभी भी ब्रह्मांड के उस बाउंड्री तक नहीं जा पाएंगे, क्योंकि वो हमसे भी तेज गति से हमसे दूर चलती जाएगी। दिमाग को चकरा देने वाली एक और बात यह है कि जो आज हम ब्रह्मांड के छोर में मौजूद गैलेक्सीज को देख रहे हैं वो एक प्रकार का भ्रम है। आप इनमें से किसी भी प्रकाश स्रोत को ले लीजिए, अगर इसके प्रकाश को हम तक पहुंचने में अरबों साल लगे हैं तो ये पूरी तरह से संभव है कि वर्तमान में वो ऑब्जेक्ट जिसे हम देख रहे हैं
वो वहाँ है ही नहीं। जैसे जैसे ब्रह्मांड फैलता जाएगा, वैसे वैसे ब्रह्मांड हमारी पहुँच से दूर जाता जाएगा। पर क्या होगा अगर हम वहाँ तक जाने में सक्षम हो जाए, अगर हम लाइट के स्पीड बैरियर को तोड़ सके तो? आइंस्टाइन के अनुसार कोई भी ऑब्जेक्ट लाइट के स्पीड से ज़्यादा तेज ट्रैवल नहीं कर सकती है, और केवल लाइट ही इतनी तेज ट्रैवल कर सकती है, क्योंकि किसी भी ऑब्जेक्ट को इतनी तेज रफ्तार से गति कराने के लिए हमें अनंत ऊर्जा की आवश्यकता होगी, जो कि असंभव है। पर फिर भी हम दूसरे उपायों के जरिए इस कॉस्मिक स्पीड लिमिट को तोड़ने का प्रयास कर सकते हैं, और इनफैक्ट हम ऑलरेडी ये कर रहे हैं। सुपर लुमिनल मोशन, जिसे पहली बार साल 1902 में देखा गया, जैकोबस कैप्टिन, इन्होंने ही इस इजेक्शन को सबसे पहले देखा था एक नोवा में। सुपर लुमिनल मोशन प्रत्यक्ष रूप से स्पीड ऑफ लाइट से भी ज़्यादा तेज मोशन है, जिसे कुछ रेडियो गैलेक्सीज और क्वेजार्स में देखा गया है। यह अनुमान है कि इनके स्रोतों में एक ब्लैक होल मौजूद हो सकता है, जो इस हाई वेलोसिटी के लिए जिम्मेदार है। सुपर लुमिनल स्पीड ही वास्तव में वार्प ड्राइव के आइडिया को देती है। आइए कल्पना करते हैं कि हमारे पास एक वार्प ड्राइव कैपेबल रॉकेट है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसे चलाने के लिए हमें सितारों की सारी मैस को एनर्जी में बदलना पड़ेगा, पर अगर हम पार्टिकल होराइजन तक पहुंचने के काबिल हो गए तो हमें वहां से और भी यूनिवर्स देखने को मिलेंगे। जब हम और आगे जाकर पीछे मुड़कर अपने ब्रह्मांड को देखेंगे, तब हमें ये एक न्यू बॉर्न यूनिवर्स जैसा दिखेगा। पर जब हम इससे भी आगे जाएंगे तब क्या होगा? बड़े पैमाने पर हमारे ब्रह्मांड का आकार ज़्यादातर सपाट है, और छोटे पैमाने पर यह सितारों और आकाशगंगाओं का एक लहर है, जिसे हम विस्तार मानते हैं। इसकी तुलना करिए समुद्र में आने वाली लहरों से। ठीक वैसा ही आकाशगंगाओं के वितरण का माप और कॉस्मिक बैकग्राउंड रेडिएशन हमें यह साबित करते हैं कि ब्रह्मांड ज़्यादातर सपाट है, लेकिन ये अनंत तक सपाट नहीं है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर स्पेस टाइम वाकई में सपाट है तो ब्रह्मांड भी अनंत होगा, यानी कि ब्रह्मांड का कहीं भी अंत नहीं होगा। पर सबसे बड़ा सवाल है कि क्या वाकई में ब्रह्मांड सपाट है? हमारी पृथ्वी हमें तब तक गोल नहीं दिखाई देती जब तक हम इसे स्पेस ना देखें, और यहाँ जमीन पर यह हमें पूरी तरह से सपाट दिखती है। ठीक इसी प्रकार ऐसा भी हो सकता है कि ब्रह्मांड का कर्वेचर बहुत ही छोटा है, और शायद या तो हम अधिक दूरी से नहीं देख रहे हैं, या हम सही तरीके से इसे मापने में सक्षम नहीं हुए हैं कि हम इस कर्वेचर को देख सके। शायद ये संभव है कि ब्रह्मांड का भी कर्वेचर है, और अगर वास्तव में ये कर्वेचर है तो ऐसा हो सकता है कि ये ब्रह्मांड एक हाइपरस्फीयर की सतह है, और अगर ऐसा हुआ तो हमारा वार्प सिर्फ इसी हाइपरस्फीयर का चक्कर काटता रह जाएगा, और पूरा चक्कर लगाकर हम वापस वहीं पहुंच जाएंगे जहां से हमने शुरुआत की थी। हालांकि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को एक मानक के तौर पर माना जाता है, परंतु ये थ्योरी प्रत्येक क्षेत्र के लिए लागू हो ऐसा जरूरी नहीं है। यहीं से मल्टीवर्स के विचार का भी जन्म होता है। कुछ सिद्धांत हमें कहते हैं कि हमारा ब्रह्मांड एक बबल हो सकता है, जो कि एक अनंत दूरी तक फैली मल्टीवर्स का एक हिस्सा है, और अगर ऐसा है तो यहाँ कई सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती है, जिसे हम ज़्यादा बेहतर जानते हैं पैरेलल यूनिवर्स के नाम से। हो सकता है कि यहाँ बिल्कुल हमारे जैसे प्लैनेट्स मौजूद हो, और यहाँ पर ऐसे लोग रह रहे हो जो बिल्कुल दिखने में हमारे समान हो, और वे हमसे कई खरब प्रकाश वर्ष की दूरी में अपनी ज़िंदगी जी रहे हो। कितना अद्भुत होगा ये! भविष्य में वार्प ड्राइव की थ्योरी का वास्तविकता में आना और हमारे पास सुदूर ब्रह्मांड के सफ़र करने की काबिलियत वाकई में बहुत ही रोमांचक होगी। प्रतिदिन हम टेक्नोलॉजी को और अच्छे तरीके से समझ रहे हैं, और हम इंसान तेजी से विकास की ओर आगे बढ़ रहे हैं। हमारे टेलीस्कोप्स अब और भी शक्तिशाली बन गए हैं, और हर एक दिन के गुजरने के साथ साथ स्पेस ट्रैवल भी सच्चाई के करीब आ रही है। मार्स मिशन से लेकर इंटरस्टेलर मिशन तक हम एक दिन इतने काबिल जरूर बन जाएंगे कि हमारे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे लगता है कि आज का ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। साथ ही नीचे कमेंट में बताओ, क्या हम वाकई में इतने काबिल बन पाएंगे कि हम ब्रह्मांड की सैर कर सके, या उससे पहले ही परमाणु युद्ध की वजह से मानव जाति का अंत हो जाएगा? नीचे कमेंट में ज़रूर बताओ। अगर आप नए हो इस चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लो। मैं मिलता हूँ फिर से एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।